अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में। तो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ सरसों के साग। तो उसके लिए हमने 200 ग्राम सरसों लिए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से चॉप कर लिए हैं और वॉश भी कर लिए हैं। पानी हमारा सूख चुका है पूरा अच्छे से, आप देख सकते हैं अच्छे से वॉश कर लिए हमने। और हम दो चीज़ से सरसों का साग बनाएंगे, सिर्फ टमाटर और सरसों। तो चॉप हमने अच्छे से चॉप कर लिए हैं और हमने 200 ग्राम हमने टमाटर लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च लिए हैं और लहसुन की कलियाँ लिए हैं और चॉप कर लिए हैं हम लोग अच्छे से, और थोड़ी सी अदरक है चॉप कर लिए हैं 2 से 3 इंच, आप देख सकते हैं। और ये हमने बाद में यूज़ करना है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, हमने सरसों को अच्छे से वो कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। कुकर में हमने पूरे सरसों को डाल लेना है इस तरह का, ऐसे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसमें ताकि हमारा अच्छे से गल जाए। और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ इसमें डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे 102, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ इसमें डालेंगे और इसे हम पैक करके एक सीटी लगा लेंगे। देख सकते हैं गाइस, हमने 200 ग्राम हमने टमाटर लिए हैं और इसे अच्छे से हम चॉप कर लेंगे, क्योंकि इसे किसी तरफ से सब चॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे पेस्ट बनाना है। तो इस तरह का हमने लंबे स्लाइस में हमें चॉप कर लेना है, रफली चॉप हमने इसे कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा पेस्ट बन चुका है टमाटर का। देख सकते हैं गाइस, इस तरह का हमारा सरसों अच्छे से पूरा गल गया है, हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ा इस तरह का। अब पूरे इस तरह से फैला लेंगे हम पूरे को अच्छे से, थोड़ा सा 2-5 मिनट हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। तो इसे हम मिक्सी में इसे ही पेस्ट बना लेंगे। देखते हैं गाइस, हमने बर्तन ले लिए है, सरसों गर्म हो चुका है हमारा, सरसों ऑयल हमने सरसों साग में सरसों ऑयल ही हमने लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने लहसुन की कलियाँ हमने डाले, हल्का सा गोल्डन होने देंगे। थोड़ी सी डालेंगे मिर्ची कटी हुई, थोड़ी सी डालेंगे हम अदरक रस किया हुआ, आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे, गोल्डन फ्राई होने देंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारा गोल्डन हो चुका है पूरा अच्छे से। और ये टमाटर का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे डाल के इस तरह का, इसे अच्छे से हम फ्राई होने देंगे इसे। तो फुल फ्लेम में ही हम पकाएंगे आम इस तरह का, देख सकते हैं। तो इस तरह का हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे टमाटर को पूरे को, ऐसे में कुछ मसाले नहीं जाएंगे, आप देख सकते हैं कुछ मसाले ऐड नहीं करेंगे हम इसमें। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है सरसों का साग। तो सरसों भाजी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक इसमें हम, ऐसे अच्छे से फ्राई होने देंगे, पकने देंगे ढक के कवर करके। देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है टमाटर का पेस्ट में। तो आप देख सकते हैं गाइस, पहले से सरसों में हम थोड़ा सा उबालने में सरसों नमक का यूज़ किए थे, तो इसमें थोड़ा सा नमक कम डाले हैं, आप देख सकते हैं। इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिएगा, इसे कवर कर लेंगे, ढक देंगे इस तरह का। तो आप देख सकते हैं गाइस, जैसे कि हमने उबाले हैं, आप देख सकते हैं कलर हमारा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, और कितना कितना चेंज भी हो जाता है और हमारा चेंज नहीं हुआ है। और देख सकते हैं ठंडा भी हो चुका है। तो इसे हम जार में ले लेंगे पूरे को, इसे हम जार में डाल लेंगे, ऐसे भी पेस्ट बना लेंगे हम पूरा स्मूदली पेस्ट बना लेंगे इसे भी। देख सकते हैं गाइस, इस तरह का हमने स्मूदली पेस्ट बना लिए हैं सरसों का साग को भी, आप देख सकते हैं। और अभी तक गाइस सीजन नहीं है सरसों का, बट फिर भी मेरे घर में साग लाए थे खरीद के, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का हमने ठंडी में तो ज़्यादा अच्छे से लगते हैं, मज़े से लगते हैं ठंडी में, और सीजन भी रहता है तो उस समय सरसों के साग मकई की रोटी बहुत अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी सिंपल सा साग बना रही हूँ सरसों का, आज घर में बोले कि सरसों का साग बनाओ, तो आप देख सकते हैं जिस तरह का मैं बनाती हूँ घर में उस तरह का मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा पेस्ट बन चुका है, तो आप देख सकते हैं गाइस, टमाटर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और पूरे अच्छे से पक भी चुका है पूरे अच्छे से, आप देख सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे हम सरसों, जो हमने पेस्ट बनाया है सरसों का साग, इसमें हम ऐड कर देंगे पूरे को इस तरह का। बहुत इजी है, बहुत आसान है और बहुत लजीज लगते हैं खाने में। आप बना के एक बार देखिए इस तरह का साग, सरसों का साग, सरसों भाजी, आप देख सकते हैं सरसों भाजी तक कई तरीके से बनते हैं, और मैं अपने तरीके से बना के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का अच्छे से मिक्स कर लीजिए पूरे टमाटर के पेस्ट में,
फिर अच्छे से इसे चलाते रहिए और पूरा फ्लेम में पकाइए अच्छे से। और जार जो अच्छे से है वो जार को भी अच्छे से धो लीजिए आप। अब देख सकते हैं कलर हमारा चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है और ग्रे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। पूरे जार को भी अच्छे से हमने डाल लिए हैं धो के। आप देख सकते हैं पानी अभी ऐड नहीं करेंगे हम इसमें, अच्छे से ऐसे ऐसे भुनेंगे, पकने देंगे 5 से 6 मिनट अच्छे से भूनते भूनते ही, और कवर करके ही पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं गाइस हमारा साग में पूरा सरसों भाजी में हमारा पूरा अच्छे से उबाल आने आ चुका है, अच्छे से पक रहा है हमारा। इसे अच्छे से फिर से ढक देंगे हम, इसे ढक के अच्छे से पका लेंगे फिर से 5 से 6 मिनट। देख सकते हैं गाइस हमारा सरसों साग भाजी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह का। तो इसमें हम तड़का लगाएंगे, अब रेडी हो चुका है। अपने हिसाब से आप गढ़ा पतला रख सकते हैं। तो इसे हम कवर करके उतार लेंगे, ढक लेंगे। तो इसे हम साइड में कर दिए, अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। देख सकते हैं गाइस तड़का पैन हमने ले लिए हैं, तो इसमें डालेंगे घी। तो ये हमारा घी रेडी गर्म हो चुका है। इसमें डालूंगी थोड़ी सी लहसुन की कलियां, थोड़ी सी अदरक क्रश किया हुआ एकदम बिल्कुल थोड़ी सी, और सूखी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा सा 1 से 2। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है तड़का भी। अब मैं तड़का लगा देंगे इस तरह का। आप देख सकते हैं पूरा घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर, सबको साग में घी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। इसे अच्छे से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं गाइस इस तरह का हमने सरसों साग बहुत बहुत ईजी है, बहुत आसान है इस तरह का सरसों साग हमने अपने तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लजीज लगते हैं, रोटी में भी खा सकते हैं, चावल में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे, मज़े के लगते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का, और बहुत आप देख सकते हैं अगर घी का तड़का दे देंगे सरसों का साग में तो बात ही किया है, और बहुत बेहतरीन लगते हैं सरसों का साग पराठा में, चावल में, किसी में भी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस मक्की की रोटी रहता तो और मज़े की लगता है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, ठंडा में ही मिलता है मक्की की रोटी, और सरसों के साथ खाने में मज़ा आता है। बट मैं चावल के साथ और रोटी पराठे के साथ बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। तो मक्की की रोटी तो नहीं बनाई हूँ, बट मक्की की रोटी में तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप देख सकते हैं अगर घी से आप तड़का दे देंगे ना तो क्या मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर एक बार बना के देखिए और ट्राई करके देखिए हमारे तरीके से। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, दोस्तों मेरे सितारों में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो पर।